Hey guys, it's Janet. It's Kritleen. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम बहुत टाइम के बाद Osmo Speaks की वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, roasting on Hania Amir's incident. So guys, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले आप वो चेक आउट कर लो एंड फिर हम रिएक्शन देते हैं जल्दी से. हेलो फ्रेंड्स एंड फैंस, Osmo स्पीकिंग. इस वीडियो का जो एपिलॉग है कि भाई कौन किसके ऊपर लेटा, कहां से शुरू हुआ तमाशा, किसके साथ भाग गई नताशा, किसने कासिम खाई कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, उस सब से हमें भाई कोई लेना देना हीच नहीं. यानी कि आसिम वर्सेस हानिया के बीच में हमें सैंडविच का मसाला बनने की कोई जरूरत ही नहीं है भाई. शुरू से थर्ड व्हील बनने का हमें कोई शौक ही नहीं है. पर्सनल मैटर चल रहा है, हमसे नहीं होता ये. नहीं, मैं तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना, मैं तो तुम्हारी बात सुन ही रहा हूँ. ये देखो, बात सही कर रही है वो, अपनी जगह पे सही है क्योंकि वो टाइम पे आया था. नहीं, वो 5 मिनट 10 मिनट बीच में पिसना ही नहीं है. हमारी तो तोपों का रुख उस बंदे की टोई की तरफ है जिसने एक बहुत बड़ी घटिया हरकत कर दी है. जी हाँ, ऐसी घटिया हरकत के मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट. तो भाई साहब, हुआ कुछ यूं कि हानिया आमिर की 2 महीने पहले की लाइव स्ट्रीम का एक टुकड़ा उठाया गया और कोई भोसड़ पप्पू आया, उसने नीचे अपनी वीडियो लगा ली. अब उस वीडियो में वो Basically, the guy was ejaculating on the picture of Hania Amir. Oh my God, that's so disgusting, man. Thumbnail में ही आपको 18 plus की warning दे दी गई है, तो अगर आप ouch और ew वाले हो तो भाई कल्टी हो जाओ. ये वो भड़ास है, ये वो गालियां हैं जो पूरा समाज उस बंदे को शायद देना चाहता है लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि तमीज का लिबादा उड़ना भी सोसाइटी में बहुत जरूरी है. तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेशरम हो जाते, हमारे मीडियम के थ्रू ये काम कर लेते, हम बोल लेते हैं ना आपके बिहाफ से. भैया जी, अब होगा कुछ यूं कि हम इस बंदे की टुई के अंदर घुस के फटेंगे. नहीं, ये तो प्लान ही नहीं है. घुसेंगे अंदर, बसेरा कर लेंगे और रोज रोज फटने का सीन है ब्रो. इस घटिया हरकत करने वाले घटिया शख्स के लिए मेरे पास चंद कुछ अल्फाज हैं कि अब प्री मेच्योर एजाकुलेशन से पैदा होने वाली इमेच्योर औलाद, वो भोसड़ चौक के भिखारी, साले कोड़ की बीमारी, वो चमन चाटी है, माइक्रोस्कोपिक लुल्ली के मालिक, गंदी नाली के मजीद गंदे कीड़े, साले लोड़ू ललित, अबे बासीर वाली बूंद से निकले बासी लेडे. जब चूतियम सल्फेट को गांडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते तो रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट में तेरे जैसे फुतू पैदा हो जाते. साले हवस के पुजारी, हजार बाप की इकलौती शाहकारी, पूरी कौम की शर्म सारी, मेंडिंगो की सवारी, टेढ़े पेचकस की फनकारी, ग्रेट खल्ली का बटी, साले नस्ली छिछोरे, तेरी टुई पे मारूं 101 घोड़े, तुझे घोड़ी बनाए 4 स्टैलियन घोड़े, तेरी चूथड़ों पे निकले ला इलाज फोड़े, अबे बहन के साले 10 हरामियों की मिक्स ब्रीड, यू सीरियल मास्टर बेटर, ओ खत्म शुद्ध मुठल, यू फ्रस्ट्रेटेड फक, साले इतनी गर्मी लाते कहां से हो, जून में भी हीटर चलाते हो क्या, क्या करते क्या हो, गर्म पानी में गर्म मसाला घोल के पीते हो, सस्ते खानदान के मुफ्त बच्चे, जिस साबुन से नहाते हो, उसे छेद करने वाले चुतड़ू. ये ऐसे लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि जब बाहर जाते हो देखते कोई अलीना शॉपिंग मॉल तो अलीना देख के वग जाते हैं. अलीना स्टेप सिस्टर स्टेप मदर वाली कैटेगरी को मोस्ट व्यूड बनाने वाले फ्रस्ट्रेटेड फुद्दू, एक बीपी स्पेसर पे जिस्म परोशी पे उतर आने वाले, तुझे कतई शर्म नहीं आई एक तो ये वीडियो बना के फिर एडिट करके अपलोड करके. सूत्रों के मूत्रों के अनुसारन पता लगा है कि दिस गाय इज गुड एट ओनली 3 जॉब्स, हैंड जॉब, रिम जॉब एंड ब्लो जॉब. साले मुठिया मंत्री बनने का तुझे इतना शौक है ना, तो याद रखियो तुम भी इंसान मंजा बता रहा हूँ, अगर किसी का हाथ लग गया ना तेरे पेशाब करने वाली नली बंद कर देंगे. अभी इस पत्थर से खस्सी कर दूंगा तुझे मैं, और इससे ये जो तेरा छोटा मजाक है ना यही काट दूंगा मैं. बेटा जी, कपूरों में अगर तुम्हारे इतने ही पानी है ना तो मुंह भी दिखा देते अपना. एक चीज तो पता लग गई कि तू अपने फुन्नों से सोचता है और इसी तरह तूने अपनी अकल बहा दी है. लेकिन ओए लोढ़ू ललित, मेरी बात सुन गौर से, ऐसा करने से यू आर डैमेजिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन यू आर डिफाइलिंग. बात समझ ले, हर कोई इतना स्ट्रांग नहीं होता, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं भाई, सुसाइड कर लेते हैं, इतना एक्सट्रीम तक चला जाता है सीन. थोड़ी अकल इधर से सोच, इधर से नहीं इधर से सोच. तेरे जैसे लोगों की वजह से औरतों का घर से बाहर निकलना आजाब हो गया, तेरे जैसे ही चूतिया होते हैं जो उनको बाजारों में छेड़ते. एक सेकंड इसकी गैरत जगाते. जस्ट इमेजिन कि वो जो पिक्चर है वो तुम्हारी सिस्टर इधर लगी ना इधर. सही कह रहा है, भोसड़ी के दूसरों के साथ भी नहीं करते. देखो भाई, इस वक्त मैं इसी मुद्दे पे बात कर रहा हूँ और किसी पे नहीं, तो इसी मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए आई वुड से कि मोर पावर टू हानिया एंड ऑल द वुमेन इन अ सोसाइटी जिनको ऐसे जानवर कभी कभी देखने पड़ते हैं. तो भाई, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो ताकि ये मैसेज उन हराम
हम जातों तक पहुंचे जो ट्रबल मेकर्स बने हुए हैं और हमारी सोसाइटी को खराब कर रहे हैं. So if you like this video, you subscribe both my channels. Subscribe. Long time ago, yeah. बहुत टाइम बाद वीडियो देखी है एंड मुझे याद आ गया कि कैसे फनी तरीके से एंड में एक अच्छा मैसेज दे दिया जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यू नो हेल्थ का भी इशू है, सोशल भी इशू है. एंड बहुत अच्छा मुझे वो मैसेज लगा कि कैसे यू नो यू शुड स्टीयर क्लियर ऑफ यू नो किसी का क्यों आपको मेंटल बैलेंस खराब करना है, क्यों किसी को मेंटली हार्स करना है. और ये तो सेलिब्रिटी है तो पता चल गया, अदरवाइज कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो कंप्लेंट नहीं कर पाते होंगे. Exactly. और बेस्ट चीज मुझे ये लगी कि वो उसके पर्सनल मैटर में कुछ बोला नहीं. सही है वो, है ना. और जो ये मेन टॉपिक था जिसपे डालना था उसके बारे में बात की गई है. इम्पोर्टेंट तो बेसिकली यही, मतलब वो पर्सनल मैटर्स चल सबके इतने चलता रहता है, यू नो ट्विस्टेड होते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट था एंड आई थिंक ही इज डन अ ग्रेट जॉब टॉकिंग अबाउट इट. पूरी वीडियो बहुत ही फनी थी एंड कुछ थोड़ा बढ़िया बोला ना उसने. आई लव द एनर्जी विद विच ही स्पीक्स, तो वो बहुत अच्छा लगता है एंड इट इज वेरी फनी एट द सेम टाइम. एक नया मुझे जो देखा मैंने वो फ्रेंड्स, बसेरा और ये सब मूवीज के टाइटल्स डाले हुए थे, पोस्टर्स डाले हुए थे. सो दैट वाज अ गुड एलिमेंट, अ न्यू एलिमेंट आई वुड से. तो वो बहुत मजा आया देख के. सो गाइस दिस वाज आवर रिएक्शन एंड वी रियली होप दैट यू एंजॉयड इट. एंड इफ यू डिड तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस पे बहुत सारे कमेंट्स कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो गाइस दिस इज सिद्धू व्लॉग्स साइनिंग ऑफ. वी लव यू गाइस.